अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं इजी मेथड ऑफ टेंसेस, जिसमें टेंसेस को इंतहाई आसान तरीके से मुतारफ कराया गया है और इस बात की भरपूर कावश की गई है कि वीडियो देखते ही टेंसेस जो ही मशीन हो जाए। अगरचे आपने टेंसेस करने हैं या स्टूडेंट्स को करवाने हैं तो दो असूल हमेशा याद रखिए। नंबर वन, इंग्लिश में जिन अल्फाज से जुमला शुरू होता है उन्हें सब्जेक्ट कहते हैं और सब्जेक्ट मेनली तौर पर दो किस्म का होता है, नंबर वन नाउन और नंबर टू प्रोनाउन। नाउन में तो स्टूडेंट्स को आसानी रहती है, लेकिन प्रोनाउन के सिलसिले में प्रॉब्लम बनता है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को टेंसेस करवा रहे होते हैं तो उनको प्रोनाउन के तर्जुमे का नहीं पता होता, जिसकी वजह से जुमला बनाने में दुश्वारी पेश होती है। जिन अल्फाज के तर्जुमे का हमें पता नहीं तो उनसे जुमला हम कैसे शुरू कर सकते हैं। लिहाजा इससे पहले कि टेंसेस की तरफ जाइए, इन प्रोनाउन का अच्छी तरह तर्जुमा याद कीजिए। अब जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है वो ये है कि इन प्रोनाउन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वो। इन प्रोनाउन के वर्ब के साथ किसी किस्म का इजाफा नहीं होता, ये आपको आगे चल के हाईलाइट करेंगे इस तरीकेकार को। और नंबर टू, नीचे एस ग्रुप है। एस ग्रुप से मराज ये है कि ये जो तीन प्रोनाउन है, ही, शी, इट या कोई सिंगल नाम और आ जाए, उसके वर्ब के साथ एस या यूएस का इजाफा किया, जो कि आगे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके के साथ समझाया गया है। अब टेंसेस में पेचीदगी की दूसरी बड़ी वजह मैं हाईलाइट कर रहा हूं और वो ये है कि बच्चे को फॉर्म ऑफ वर्ब का नहीं पता होता। अगर टीचर ने उसे प्रेजेंट के बाद पास्ट करवाया तो पास्ट में सेकंड फॉर्म है तो उसे सेकंड फॉर्म नहीं आती होती, या प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं बच्चे को आती होती। अब इस बात का खुद फैसला कर लीजिए कि टीचर बच्चे को ख्वाह जितने भी अच्छे तरीके से टेंस क्यों ना समझा दे, अगर उसे प्रोनाउन के तर्जुमे का नहीं पता और सेकंडली उसे फॉर्म ऑफ वर्ब का नहीं पता तो वो कैसे बड़ा टेंस सॉल्व कर सकता है। तो टेंसेज में आसानी के लिए फॉर्म ऑफ वर्ब जरूर याद करें और उनको अच्छी तरह जहन शीन करें, लेकिन यहां पर जो 6-7 फॉर्म मैं आपको दे रहा हूं उनका टेंसेज में निहायत ही अहम किरदार है। इनके ना सिर्फ स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है बल्कि अक्सर स्टूडेंट इसका प्रोनाउंसिएशन भी गलत बोलते हैं। तो पहली फॉर्म ऑफ वर्ब है कम, आना, इसकी सेकंड है केम और थर्ड होती है कम। उसके बाद दूसरी है गो, जाना, इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गो। नेक्स्ट है रीड, पढ़ना, इसकी सेकंड रेड और थर्ड भी रेड कहलाती है अगरचे स्पेलिंग सेम ही है। उसके बाद है राइट, लिखना, रोट इसकी सेकंड है और रिटर्न इसकी थर्ड है, रिटर्न में डबल टी यानी आपने डबल लिखना है। नेक्स्ट है ड्रिंक, पीना, ड्रैंक इसकी सेकंड है और ड्रंक इसकी थर्ड है। आगे है ईट और सेकंड फॉर्म इसकी है एट, खाना, इसे आपने एट नहीं कहना, ये एट है और रिटर्न इसकी थर्ड फॉर्म है। लास्ट पे है कैच, पकड़ना, तो सेकंड इसकी है कॉट और थर्ड भी पॉट। तो हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके लिए एक वर्ड दिया गया है जिसे आपने हमेशा याद रखना है। 12 के 12 सेंटेंसेस में ही ये वर्ड आपका चलेगा और ये है वन वर्ड फॉर ऑल, तमाम टेंसेस के लिए, सेंटेंसेस के लिए एक ही वर्ड आपका चलना है और वो है सब्जेक्ट प्लस। जब भी आपने टेंस का बनाने का तरीका शुरू करना है तो हर टेंस से पहले सब्जेक्ट प्लस जरूर बोलना है, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब जो है बोली जाती है। अब गौर से देखिए, हमारा टेंस शुरू हो चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी इस टेंस में सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पहचान है उर्दू फिकरात के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूं तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई गो, यानी आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस के बाद फॉर्म लग गई पहली गो। उसके बाद है वो जाता है, ये एस ग्रुप वाला फिक्रा है जिसके वर्ब के साथ एस लगता है, जो आगे आपको ब्रीफ करते हैं, ही गोज, वो जाता है। अब यहां पर प्रोनाउन का फर्स्ट ग्रुप है आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वो, आगे इनके फॉर्म लगाई गई हैं। तो यहां पर स्पेस की वजह से चंद फॉर्म लगाई हैं, आप इसको बाकी फॉर्म पे भी इस्तेमाल करें और जुमले में इनको इस्तेमाल करें, मैं जाता हूं, आई गो, हम जाते हैं, वी गो, तुम जाते हो, यू गो, वो जाते हैं, दे गो।
तो ये फर्स्ट ग्रुप है जिनके वर्ड के साथ किसी किस्म का इजाफा नहीं होता। लीजिए नेक्स्ट आ गया एस ग्रुप। एस ग्रुप के वर्ड के साथ इजाफा होगा। फॉर एग्जाम्पल ही शी इट या कोई सिंगल नेम है तो हम कह सकते हैं वो जाता है, ही गोज, लंबा भी कह सकते हैं ही गोज टू बाजार, वो जाती है शी गोज, वो आती है शी कम्स, बारिश होती है इट रेन्स भी हम कह सकते हैं। अब इसका बनाना है नेगेटिव, तो नेगेटिव में डू के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं और आगे फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, हम नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो, तुम नहीं जाते, यू डू नॉट गो, वो नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। ये खाली फॉर्म वाला ग्रुप है, एस ग्रुप नहीं है, तो इसके वर्ब के साथ किसी किस्म का इजाफा नहीं करता। अब हमने नेगेटिव जुमला बनाना है एस ग्रुप का। एस ग्रुप है ही शी इट, तो ही शी इट के बाद डज नॉट का इस्तेमाल करें और फेल की फर्स्ट फॉर्म। वो नहीं आता है ही डज नॉट कम, वो नहीं आती है शी डजंट कम, और बारिश नहीं होती है इट डजंट रेन। अगर कोई सिंगल नेम है जैसे फातिमा है, असलम है, तो आप कह सकते हैं फातिमा पानी नहीं पीती, फातिमा डज नॉट ड्रिंक वाटर। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का अब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ये लफज इंटरोगेटिव नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव होता है। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें हम डू डज को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी डू आई गो टू स्कूल। अब हमने इंट्रोगेटिव जुमला बनाना है एस ग्रुप से, तो एस ग्रुप में ही शी इट या किसी सिंगल नेम से पहले डज का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या वो पानी पीता है, डज ही ड्रिंक वाटर। अब हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के बारे में चंद इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। पहला है चश्मा मौसम बहार में फूटता है, स्प्रिंग स्प्रिंग्स इन स्प्रिंग। चश्मे की इंग्लिश है स्प्रिंग, और फूटने को भी स्प्रिंग कहते हैं और मौसम बहार को भी स्प्रिंग कहते हैं। इस फिक्रे से प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को मजीद पुख्ता कीजिए। फिक्रा वहां स्प्रिंग से शुरू हो रहा है जिसकी वजह से इसके अगले स्प्रिंग के साथ जो कि वर्ब है एस का इजाफा किया गया। निचले वाला स्प्रिंग्स जो कि जमा है चश्मे, तो जमा होने की वजह से इसके दूसरे स्प्रिंग जो कि वर्ब है के साथ एस का इजाफा नहीं किया गया। अगर आपको हमारा ये तरीक़ेकार पसंद आ रहा है तो फिर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास इस तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो पहुंचती रहें। शुक्रिया। नेक्स्ट है बटरफ्लाइज। तितलियों की जमा को बटरफ्लाइज कहते हैं। अगर हम इस वर्ड के दो पीस कर दें तो जुमला बन जाएगा बटरफ्लाइज मक्खन उड़ता है। नेक्स्ट है मैंगोज, आम की जमा। तो अगर हम इसके दो पीस कर दें तो बन जाएगा जुमला मैंगोज आदमी जाता है। नेक्स्ट है रेनबोज, कोसे कजा की जमा। इसके भी दो पीस कर दे जाएं तो रेनबोज बारिश कतरे झुलकाती है। नेक्स्ट है फायरफ्लाइज, जुगनू की जमा को फायरफ्लाइज कहते हैं। अगर हम इसके दो पीस कर दें तो इसका बन जाएगा फायरफ्लाइज आग उड़ती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ब्राइड ग्रूम्स, दुल्हे की जमा को ब्राइड ग्रूम्स कहते हैं। अगर हम इस वर्ड के दो पीस कर दें तो ये जुमला बन जाएगा ब्राइड ग्रूम्स दुल्हन मेकअप करती है या श्रृंगार करती है, क्योंकि ब्राइड जो है दुल्हन को कहते हैं और ब्राइड ग्रूम दुल्हे को कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। इस टेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है और इसके अलावा और किसी टेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता। इसकी निशानी है उर्दू फिक्रात के आखिर पर या, जी, जे और अलफ आता है। ये फिक्रा है मैं गया, तो इसमें आप प्रोनाउन लगा के फेल की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मैं गया, आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, दे वेंट। कितना आसान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है और इसके अलावा और किसी किस्म का इजाफा नहीं होता। नेगेटिव सेंटेंसेस, नफी फिक्रात में डिड के बाद नॉट का इस्तेमाल करें। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, हम नहीं गए, वी डिड नॉट गो, तुम नहीं गए, यू डिड नॉट गो, वो नहीं गए, दे डिड नॉट गो। इंट्रोगेटिव में डिड को सब्जेक्ट से पहले ले आइए। क्या मैं गया, डिड आई गो, क्या हम गए, डिड वी गो, क्या तुम गए, डिड यू गो, क्या वो गए, डिड दे गो। हमारा थर्ड टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल और फर्स्ट फॉर्म। इसमें जरा सब्जेक्ट के बाद विल का आप इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे और लिखेंगे तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी निशानी है उर्दू फिक्रात के आखिर पर गा गी गे वगैरह आता है। मसलन हम आएंगे, वी विल कम, हम जाएंगे, वी विल गो, हम पढ़ेंगे, वी विल रीड, हम लिखेंगे, वी विल राइट, हम खाएंगे, वी विल ईट। इसके नेगेटिव में विल के बाद नॉट लगाएंगे, हम नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो, वी विल नॉट रीड, वी विल नॉट राइट, वी विल नॉट ईट।
और इंटरक्टिव में विल को फाइल से पहले ले आएंगे, क्या वो पढ़ेगा विल ही रीड, विल आई गो, विल वी रीड, विल यू राइट, विल दे ईट। अब तक जो कुछ हमने किया वो था प्रेजेंट डेफिनेट टेंस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म थी, और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म थी, और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल और फर्स्ट फॉर्म थी। तो इससे ये मालूम हुआ कि तीनों इंडेफिनेट में सिर्फ दो फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता। अब टेंसेस की लास्ट स्टेज है क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट क्या, हाउ कैसे, व्हेन कब। व्हेन का मतलब जब होता है, लेकिन जब सवालिया हो तो कब बन जाता है। वेयर कहाँ, हु कौन, व्हाई क्यों, ये डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं अभी आपके सामने जो डिस्प्ले करते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव को हम डू, डिड या विल से बनाते हैं, जैसे कि अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन जब डबल इंट्रोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड लगता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप खेलते हैं, डू यू प्ले। तो अगर हम कहें आप क्या खेलते हैं तो फिर डू से पहले व्हाट लग जाएगा, व्हाट डू यू प्ले। अब ये पूरी तरतीब के साथ एक चार्ट दे दिया गया है जिसमें एक जुमला बन सकता है, व्हाट डू आई रीड या हाउ डू आई रीड, व्हेन डू आई रीड, वेयर डू यू रीड।